गुड मॉर्निंग ऑल द डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास फिफ्थ। लेट अस स्टार्ट अवर फोर्थ यूनिट। हेल्थ इज वेल्थ। स्वास्थ्य ही सोना है, स्वास्थ्य ही धन है। टुडे वी विल स्टार्ट अवर टेंथ लेसन, न्यूट्रिशन एंड इट्स डिफिशियंसी। पोषक तत्व, पोषण और उसका अभाव। डिफिशियंसी होता अभाव, पोषण का अभाव। लेसन स्टार्ट करने से पहले आपके चैनल के नीचे सब्सक्राइब बटन दबाएं, जो लाल अक्षर में लिखा गया है सब्सक्राइब, एंड बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आप लेटेस्ट से लेटेस्ट नोटिफिकेशन और वीडियो प्राप्त कर सकें। लेट अस स्टार्ट आवर लेसन। आवर बॉडी इज लाइक ए मशीन। हमारा शरीर एक मशीन की तरह है। इट नीड्स फ्यूल टू रन, और इसे चलने के लिए ईंधन की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार हम दूसरे इंजनों में पेट्रोल डीजल वगैरह ईंधन डालते हैं, उसी प्रकार हमारे शरीर को भी ईंधन की आवश्यकता है, जो हम भोजन के रूप में लेते हैं। न्यूट्रिएंट्स आर द फ्यूल ऑफ आवर बॉडी, और पोषक तत्व हमारे शरीर के ईंधन हैं। विच गिव अस एनर्जी, जो हमें ऊर्जा देते हैं। फूड इज द सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, और भोजन इन पोषक तत्वों का स्रोत है। वी नीड डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू कीप अवर बॉडी फिट एंड एनर्जेटिक। हमें भिन्न भिन्न प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है टू कीप अवर बॉडी फिट, हमारे शरीर को फिट रखने के लिए, एंड एनर्जेटिक और ऊर्जावान रखने के लिए। सो इसलिए वी ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड्स, हम भिन्न भिन्न प्रकार के भोजन लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स आर द वेरियस टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स, भिन्न भिन्न प्रकार के पोषक तत्व हैं। कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में हम आप पढ़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स आर एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स। कार्बोहाइड्रेट्स ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक तत्व हैं। वी नीड एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटी सच एज वॉकिंग, रनिंग, टॉकिंग, प्लेइंग, स्टडिंग एक्स्ट्रा। हमें हमारे शरीर की भिन्न भिन्न प्रतिक्रियाओं, जैसे चलना, दौड़ना, बातें करना, खेलना, अध्ययन करने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कार्बोहाइड्रेट्स गिव अस एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट हमें ऊर्जा देते हैं, एंड हीट और उष्मा देते हैं। पोटैटो, राइस, वीट, ब्रेड, मिल्क एक्स्ट्रा रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। आलू, चावल, गेहूं, रोटी, दूध कार्बोहाइड्रेट के अच्छे स्रोत हैं। यू कैन सी इन द पिक्चर राइस, पोटैटो, चपाती, मिल्क, ब्रेड और शुगर। ये सभी ऐसे पदार्थ हैं जिनसे हमें कार्बोहाइड्रेट्स प्राप्त होता है। नेक्स्ट हमारा फैट्स, वसा। फैट्स आर आल्सो एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स। वसा भी ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक तत्व हैं। फैट्स गिव अस एनर्जी एंड हीट। वसा हमें ऊर्जा और उष्मा देती है। फैट्स कंटेन ट्वाइस द एनर्जी पर ग्राम एज ग्लूकोज ऑब्टेन फ्रॉम द कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट की बजाय जो ग्लूकोज हमें प्राप्त होता है वसा में, उससे दुगनी एनर्जी और गर्मी होती है। फैट्स आर स्टोर्ड अंडर आवर स्किन, और वसा हमारी त्वचा के नीचे एकत्रित की जाती है। दे आल्सो कीप अस वार्म, ये हमें गर्म रखती है। एक्सेस फैट आर वेरी हार्मफुल फॉर आवर बॉडी, अत्यधिक वसा लेना हमारे शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक है। नेक्स्ट हमारा प्रोटीन। प्रोटीन आर बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स। प्रोटीन शरीर का निर्माण करने वाले पोषक तत्व हैं। प्रोटीन हेल्प अस टू ग्रो, प्रोटीन हमें बढ़ने में सहायता करती है। दे फॉर्म ए पार्ट ऑफ बॉडी टिश्यू और सेल, ये हमारे शरीर के एक हिस्से, एक ऊतक और एक और कोशिकाओं का निर्माण करती है। इन द स्टोमैक, पेट के अंदर, ए टाइप ऑफ गैस्ट्रिक जूस, एक गैस्ट्रिक रस इज प्रोड्यूस्ड, उत्पन्न किया जाता है। इट हेल्प टू किल द माइक्रोब्स, यह सूक्ष्म जीवों यानी बीमारी फैलाने वाले जीवाणुओं को मारने में सहायता करता है। एंड डाइजेस्टिव प्रोटीन डाइजेस्ट प्रोटीन और प्रोटीन को पचाने में हमारी सहायता करता है।
एक ग्रोविंग चाइल्ड नीड्स मोर प्रोटीन, एक बढ़ते हुए बच्चे को अत्यधिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है। पल्स, सोयाबीन, वीट, एग्स, फिश, मिल्क एक्स्ट्रा आर द रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। दालें, सोयाबीन, गेहूं, अंडे, मछली और दूध प्रोटीन के अच्छे स्रोत है। यू कैन सी इन द पिक्चर पल्सिस, वीट, एग, सोयाबीन, मीट एंड मिल्क, दीज आर द सोर्स ऑफ प्रोटीन। नेक्स्ट है हमारा विटामिन एंड मिनरल, विटामिन और खनिज लवण। विटामिन एंड मिनरल आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स। विटामिन और खनिज लवण हमारे सुरक्षा करने वाले पोषक तत्व कहलाते हैं। दे हेल्प अस टू कीप फिट, वे हमें फिट रखने में सहायता करते हैं एंड इम्प्रूव द बॉडी एबिलिटी टू फाइट अगेंस्ट द डिजीज, और बीमारियों के खिलाफ लड़ने के लिए हमारे शरीर की योग्यता को बढ़ाते हैं। देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटामिन, या भिन्न भिन्न प्रकार के विटामिन है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। विटामिन ए आप देख सकते हैं गाजर से, पपीते से, अंडे से और दूध से हम प्राप्त कर सकते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए काजेज नाइट ब्लाइंडनेस, अगर विटामिन ए की कमी हो जाए तो हमें रात को अंधापन हो जाता है, यानी रात के समय में दिखाई नहीं देता। ड्यू टू दिस डिजीज, इस बीमारी के कारण ए पर्सन कैन नॉट सी इन द डिम लाइट ऑफ और डार्कनेस, एक व्यक्ति अंधेरे में या धुंधले प्रकाश में नहीं देख सकता। नेक्स्ट है हमारा विटामिन बी, जैसे वीट से मिलती है, वेरियस काइंड ऑफ फ्रूट्स, एग्स एंड मिल्क से मिलती है। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी, विटामिन बी की कमी काज बेरी बेरी रोग लाती है। इन दिस डिजीज, इस बीमारी में वेट बिकम लेस, व्यक्ति के शरीर का वजन कम हो जाता है एंड पर्सन फील्स टू मच वीकनेस, और व्यक्ति अत्यधिक कमजोरी महसूस करता है। लेट अस डिस्कस अबाउट द विटामिन सी। विटामिन सी वी कैन सी कैन गेट इट फ्रॉम द ऑरेंज, टमाटो, पॉमग्रेनेट्स, पीनट्स, पालक से, संतरे से, नींबू से, टमाटर से और अनार से हम विटामिन सी प्राप्त कर सकते हैं। डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी, विटामिन सी की कमी के कारण काजिज स्कर्वी, स्कर्वी रोग होता है। ड्यू टू दिस, इस रोग के कारण पीपल हैव ब्लीडिंग गम्स, लोगों के मसूड़ों में से खून आता है एंड पेन इन द ज्वाइंट्स, और जोड़ों में दर्द रहता है। विटामिन डी डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी वी कैन सी गेट फ्रॉम एप्पल, सीताफल, मिल्क एंड बटर। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, विटामिन डी की कमी के कारण काज रिकेट्स, रिकेट्स रोग हो जाता है। बोन्स एंड टीथ बिकम वीक, जिसमें हड्डियाँ और दांत कमजोर हो जाते हैं ड्यू टू द डिफिशिएंसी ऑफ इट, विटामिन डी के कारण। नेक्स्ट हमारा मिनरल्स, आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस एंड आयोडीन आर डिफरेंट मिनरल। आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस भिन्न भिन्न प्रकार के खनिज लवण हैं। मिनरल्स आर नीडिड इन स्मॉल क्वांटिटीज, खनिज लवणों का हमें थोड़ी सी मात्रा में आवश्यकता होती है, बट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी, परंतु ये हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक है। आयरन हमें बनाना, एप्पल, पमग्रेनेट, डिफरेंट काइंड ऑफ वेजिटेबल जैसे कॉलीफ्लावर, कैप्सिन। डिफिशियंसी ऑफ आयरन काजेज लोहे की कमी के कारण एनीमिया रोग होता है। द पर्सन सफरिंग फ्रॉम एनीमिया बिकम पेल एंड टायर्ड, और जो लोग एनीमिया से पीड़ित होते हैं वे पीले पड़ जाते हैं और कमज़ोर थक जाते हैं, थके हुए लगते हैं। आयोडीन, आयोडीन हमें
डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रूट्स फिश एंड बटर आल्सो डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन आयोडीन की कमी से काज इज गाइटर गाइटर रोग होता है तो आयोडीन हमें नमक से भी प्राप्त होता है यू कैन सी साल्ट ऑफ द अबो पोर्ट्स द पर्सन सफरिंग फ्रॉम द गाइटर हैव स्वेलिंग इन द हिज नेक और जिस व्यक्ति के गाइटर रोग होता है उसकी गले में सूजन आ जाती है कैल्शियम एंड फॉस्फोरस कैल्शियम एंड फॉस्फोरस आर वेरी नेसेसरी मिनरल फॉर बोन्स एंड टीथ कैल्शियम और फॉस्फोरस हमारे दांतों और हड्डियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण खनिज पदार्थ हैं डेफिशिएंसी ऑफ दिस मिनरल मेक्स बोन्स एंड टीथ वीक और इस खनिज पदार्थों की कमी से हमारे दांत और हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है वी कैन गेट कैल्शियम फ्रॉम मिल्क डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल रोगेज एंड वाटर रोगेज हेल्प टू क्लीन द डाइजेस्टिव सिस्टम रफेज हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को पाचन तंत्र को साफ रखने में सहायता करते हैं दे हेल्प द फूड टू पास थ्रू द स्टोमैक वे पेट से हमारे भोजन को आगे गुजारने में सहायता करते हैं दे डू नॉट गिव अस एनर्जी वे हमें एनर्जी नहीं देते बट आर मोर हेल्पफुल इन डाइजेशन परंतु पाचन क्रिया में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं वाटर हेल्प इन डाइजेशन पानी पाचन क्रिया में सहायता करता है एंड सर्कुलेट द ब्लड इन द बॉडी और खून का हमारे शरीर में परिसरण करता है वाटर आल्सो मेंटेन आवर बॉडी टेम्परेचर पानी हमारे बॉडी टेम्परेचर को भी बनाए रखता है तापमान को भी बनाए रखता है वी शुड ड्रिंक एटलीस्ट 8 to 10 ग्लास ऑफ प्योर वाटर डेली हमें प्रतिदिन 8 से 10 ग्लास शुद्ध पानी के पीने प्रतिदिन पानी पीने चाहिए डिफिशियंसी डिजीज पोषक तत्वों की कमी से होने वाली बीमारियां एज वी कैन रीड फर्स्ट लेट अस डिस्कस अबाउट द डिफिशियंसी डिजीज डिजीज दैट आर कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ न्यूट्रिएंट आर कॉल्ड डिफिशियंसी डिजीज वे बीमारियां जो हमारे अंदर पोषक तत्वों की कमी के कारण आती हैं उन्हें डिफिशियंसी डिजीज कहते हैं फर्स्ट कॉलम में हमने डिफिशियंसी डिजीज का नाम लिखा है सेकंड में किस कमी के कारण ये होती है वो विटामिन और मिनरल लिखे हैं थर्ड में सिम्टम्स उसके लक्षण लिखे गए हैं एंड फोर्थ कॉलम के अंदर हमने प्रिवेंशन दिया है यानी उसका उपहार उसको कैसे रोका जा सकता है नाइट ब्लाइंडनेस होती है डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए की कमी से अनेबल टू सी सर्टेन कलर एट नाइट और इन द डिम लाइट और ड्राइनेस ऑफ स्किन इसकी कमी के कारण लक्षण होते हैं इसके लक्षण होते हैं एक विशेष प्रकार के रंग में रात के समय देखने पड़ना या धुंधले प्रकाश में दिखाई न देना या चमड़ी में खुश्कीपन खुश्क होना इसको ठीक किया जा सकता है रोका जा सकता है ईट विटामिन ए खाने से ए रिच फूड लाइक कैरेट जैसे गाजर पपायाज पपीता एग्स अंडे एंड मिल्क और दूध सेकंड डिजीज हमारी बेरीबेरी डिफिशियंसी ऑफ विटामिन बी की कमी से होती है हार्ट प्रॉब्लम होती है इससे स्टोमक एंड इंटेस्टाइन ट्रबल पेट और आंतों की कठिनाई होती है इन्फ्लेमेशन ऑफ नर्वस और नसों में तनाव आ जाता है इसको रोकने के उपाय ईट विटामिन बी रिच फूड बी विटामिन बी से प्रचुर भोजन खाइए जैसे लाइक ग्रीन वेजिटेबल हरी सब्जियां ग्राउंड नट्स मूंगफली पल्सिस दालें मीट मांस एग्स अंडे मिल्क दूध स्कर्वी रोग डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी के कारण होता है लॉजिंग टीथ एंड ब्लीडिंग गम्स दांत गिर जाते हैं या मसूडों से खून आता है लॉस ऑफ वेट एंड ब्लड खून और वजन में कमी आ जाती है उपचार है ईट
सिट्रस फ्रूट लाइक ऑरेंज, ग्रेप्स, गावा, लेमन। सिट्रिक एसिड से पर्याप्त फल खाइए, जैसे ऑरेंज है, ग्रेप्स है, गावाज और लेमन। नेक्स्ट हमारा रिकेट डिफिशेंसी ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी की कमी के कारण रिकेट्स होता है। वीक एंड सॉफ्ट बोन्स, नरम और कमज़ोर हड्डियाँ हो जाती हैं। लेग्स, टांगों की एंड बैकबोन और रीढ़ की हड्डी बिकम क्राउड, मुड़ जाती है। ईट विटामिन डी रिच फूड लाइक फिश, एग, मिल्क एंड चीज, पनीर, दूध, अंडे और मछली। विटामिन डी से युक्त भोजन खाइए। ट्राई टू ऑब्टेन सनलाइट एज मच एज पॉसिबल, और जितना हो सके सूर्य के प्रकाश को प्राप्त कीजिए, सूर्य के प्रकाश में रहिए। अनीमिया डिफिशेंसी ऑफ आयरन, आयरन की कमी से होता है। पेल स्किन एंड नेल्स, खाल और नाखून पीले पड़ जाते हैं। चेंज इन कलर ऑफ द लिप्स, होठों के रंग में अंतर आ जाता है। टायर्ड और मसल्स फैटिग्यू, थकान और मांसपेशियों में थकावट आ जाती है। ईट आयरन रिच बल्ब फूड लाइक ग्रीन लीफी वेजिटेबल। लोहे से प्रचुर मात्रा का भोजन कीजिए, जैसे पत्तेदार हरी सब्जियां, डेट्स, अखरोट, रेसिन्स, टमाटोज एंड बनानाज। गाइटर डिफिशेंसी ऑफ आयोडीन, आयोडीन आयोडीन की कमी से होती है। स्वेलिंग ऑफ थ्रोट ग्लैंड्स, गले की ग्रंथि में सूजन आ जाती है। ईट सी फूड, समुद्र में पाए जाने वाले भोजन को खाइए, जैसे आयोडाइज सी फूड होता है, जैसे मछली है, नीलरिच शैवाल है। आयोडाइज्ड साल्ट और आयोडीन युक्त नमक लीजिए। रिकेट्स डिफिशेंसी ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस, जो कैल्शियम और फास्फोरस की कमी के कारण आता है। डिफॉर्मिटीज इन बोन्स, हड्डियों में कमजोरी आ जाती है। ईट एग्स, योक, अंडे की जर्दी खाइए, यानी बीच का जो पीला भाग है। ड्रिंक मिल्क, दूध पीजिए एंड कैल्शियम रिच फूड और कैल्शियम से प्रचुर भोजन कीजिए। नेक्स्ट हमारा मल न्यूट्रिशन, यानी कुपोषण। कुपोषण एक ऐसा बीमारी होती है जो भोजन की कमी के कारण होती है। मल न्यूट्रिशन मीन्स लेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। मल न्यूट्रिशन का अर्थ है, कुपोषण का अर्थ है पोषक तत्वों की कमी होना। द ह्यूमन बॉडी नीड सर्टेन अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन। मानव शरीर को विशेष प्रकार के कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की आवश्यकता होती है। द लेक ऑफ दिस न्यूट्रिएंट इन आवर फूड ओवर ए लॉन्ग पीरियड अफेक्ट आवर हेल्थ। और इन पोषक तत्वों की कमी, एक लंबे समय तक इन पोषक तत्वों की कमी हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। मल न्यूट्रिशन स्पेशली अफेक्ट द चिल्ड्रन, और कुपोषण विशेष रूप से बच्चों को प्रभावित करता है। कावेशोरकर इज ए चाइल्डहुड डिसऑर्डर कार्ड बाई लेक ऑफ प्रोटीन इन द डाइट। कावेशोरकर एक प्रकार का बीमारी है जो बच्चों में प्रोटीन की, भोजन में प्रोटीन की कमी के कारण होती है। मदर मिल्क गिव ए चाइल्ड मैनी विटल न्यूट्रिएंट्स। माँ का दूध बच्चे को बहुत से आवश्यक पोषक तत्व तो प्रदान करता है। एज द चाइल्ड ग्रोज, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, इफ इट ईट्स फूड रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स, यदि वह कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन खाता है बट डिफिशियंट इन प्रोटीन, परंतु उसके अंदर प्रोटीन की कमी होती है। द चाइल्ड में डेवलप कावेशोरकर, तो बच्चे के अंदर कावेशोरकर रोग उत्पन्न होता है। चिल्ड्रन बिटवीन 6 मंथ एंड 3 ईयर आर यूजुअली अफेक्टेड बाई दिस डिजीज। ऐसे बच्चे 6 महीने से लेकर 3 साल की आयु में इस बीमारी से ग्रसित होते हैं। दिस डिजीज इज वेरी कॉमन इन पुअर चिल्ड्रन। गरीब बच्चों में ये बीमारी बहुत सामान्य है। सिम्टोम्स ऑफ केवोस्कर के लक्षण क्या है? एबडोमन जनरली स्वेल्स, पेट में प्राय सूजन आ जाती है। चाइल्ड लॉसेज एपेटाइट, भूख लगनी कम हो जाती है।
द ग्रोथ ऑफ चाइल्ड स्टॉप, बच्चे की वृद्धि रुक जाती है। चाइल्ड लुक्स लेजी एंड इनएक्टिव, बच्चा सुस्त और अक्रियाशील दिखाई देता है। लीवर ऑफ अफेक्टेड चाइल्ड बिकम लार्जर एंड द बेली स्टिक आउट, बच्चे का लीवर अफेक्टेड हो जाता है, प्रभावित हो जाता है और उसका पेट बड़ा हो जाता है। चाइल्ड सफर फ्रॉम डायरिया जनरली, बार बार बच्चे को दस्त लगते हैं। दिस डिजीज कैन बी क्योर्ड बाई ईटिंग प्रोटीन इज फूड, इस प्रकार की बीमारी को प्रोटीन युक्त भोजन करके समाप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट है बैलेंस डाइट, संतुलित भोजन। ए बैलेंस डाइट कंसिस्ट ऑफ फूड, एक संतुलित भोजन उस भोजन से बना होता है दैट हैज ऑल एसेंशियल्स एंड एडिक्वेट न्यूट्रिएंट नेसेसरी फॉर ग्रोथ डेवलपमेंट एंड गुड हेल्थ। जिसके एक संतुलित भोजन वह भोजन होता है जिसमें सभी प्रकार के आवश्यक और पर्याप्त मात्रा में हमारी वृद्धि, विकास और अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक पोषक तत्व विद्यमान होते हैं। ए बैलेंस डाइट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन डिपेंडिंग ऑन एज, एक संतुलित भोजन एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति का अलग अलग होता है। डिपेंडिंग ऑन एज, जो आयु पर निर्धारित होता है, एक्सरसाइज अभ्यास पर एंड वर्क और उसके काम पर एंड इन्वायरमेंट और पर्यावरण पर। ए बैलेंस डाइट मेक्स ए पर्सन हेल्दी, एक संतुलित भोजन मनुष्य को स्वस्थ बनाता है एंड फिट और फिट रखता है। ए बैलेंस डाइट कीप ए पर्सन अवे फ्रॉम, एक संतुलित भोजन एक व्यक्ति को कीप्स अवे फ्रॉम मैनी डिजीज, बहुत सी बीमारियों से दूर रखता है। नाउ यू विल रीड दिस लेसन फॉर 1 वीक एंड डिस्कस इज अबाउट। थैंक यू।